भागलपुर के कहचारी चौक के समीप पुलिस वाहन ने कार में पीछे से दो बार धक्का मार दिया, जिसके बाद कार चालक और पुलिस वाहन चालक के बीच आधे घंटे तक बहसबाजी होती रही, जिसके बाद यातायात बाधित हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और इसके बाद कार चालक को आश्वासन देते हुए कार को साइड करवाया और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुर्सेला निवासी रवि रमन किसी काम से भागलपुर आए थे, तभी कहचारी चौक के समीप प्रशासनिक महकमे के अधिकारी की वाहन गुजर रही थी और इसी बीच ट्रैफिक सिपाही ने कार समेत अन्य वाहन को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस वाहन ने पीछे से दो बार धक्का मार दिया, जिससे कि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त का हर्जाना के लिए कार चालक रवि रमन पुलिस वाहन के ड्राइवर से उलझ गए और आधे घंटे तक हंगामा करते रहे। मामले को लेकर रवि रमन ने बताया कुर्सेला से वो भागलपुर निजी कार से आया हुआ था, इसी दौरान कचहरी चौक के समीप पुलिस वाहन ने पीछे से दो बार धक्का मारा। पुलिस महकमे के अधिकारी की गाड़ी जा रही थी तो हम लोगों को ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने रोक दिया। पीछे से पुलिस की एक बड़ी वाहन आ भी रही थी जिसने पीछे से दो बार धक्का मारा, जिससे कि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मेरी मांग है कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। इधर मौके पर पहुंचे पुलिस ने कार चालक को अपनी हिरासत में ले लिया और कार को जब्त कर लिया। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार ने बताया कि हमने उन्हें कहा जुर्माना लगेगा, भरा जाएगा, लेकिन युवक गुस्सा हो गया, यह भी सही नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा हो जाता है। तुरंत बाइक का चालान कटवाने वाले डीएसपी साहब को यह बात समान लगी। सोचिए पुलिस की गाड़ी में टक्कर होती तो क्या डीएसपी साहब यही बोले होते। फिलहाल युवक के गाड़ी को पुलिस तिलकामांझी थाना ले गई है। पीछे मेरे पीछे से कोई है ना मंत्री सब आ रहे थे, प्रशासन सब यहाँ अंदर संग्रहालय में आने के लिए, ठीक है, उनको रोड क्लियरेंस के लिए हम लोग को रोका दिया, आगे से है ना प्रशासन ने रोका, हम लोग है ना आगे में रोके हुए थे, गाड़ी है ना लगभग दो मिनट से खड़ी थी मेरी, पीछे से है ना ये पुलिस वैन आई और है ना एक बार पीछे से ठोका, ठोकने के बाद 10 फीट तक लगभग आगे है ना घिसक के आ गए थे, फिर हमने ब्रेक मार के है ना उतरने का कोशिश किया, तब फिर है ना वो दोबारा है ना पीछे करके ठोक दिया, दो बार है ना वो ठोक के 10 से 15 मिनट। ये है ना पीछे से जो पुलिस वैन आ रही थी, वैन के जो ड्राइवर थे, ठीक है, उन्होंने है ना चलाते हुए पीछे से पूरा है ना बैक गाड़ी डैमेज हो गई। क्या बोले डीएसपी साहब, क्या बोले? मेरी फोर्ड है ना फ्री स्टाइल है। डीएसपी साहब क्या बोले आप? डीएसपी साहब तो कहे कि ये मेरी गाड़ी है बहन, इसलिए है ना पहले बहन को जाने दो, तुम्हारा समाधान बाद में देखते हैं क्या होता है। तो खबर आई कि कचहरी चौक पर किसी सिविलियन गाड़ी से पुलिस गाड़ी से थोड़ा सा धक्का लग गया, तो लोग फिर बार किए हुए गाड़ी काम किए हुए, तो मैं वहाँ से तुरंत उतर के आया। DR 11 AM 9557 है नंबर, एक छोटी कार है, उसमें टू कैरियर पुलिस की है हमारी, फोर्स को लाते ले जाते रहता है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी अचानक ब्रेक मार दीजिएगा तो कोई सटा हुआ वो सट गया, वो ऐसा कोई एक्सीडेंट का रूप नहीं था, सब जरूर गया था गाड़ी, यही बात थी। कितना नुकसान हुआ सर? जो पूछे उनको बताओ कितना नुकसान हुआ, अभी पुलिस वाले हैं, ये ज्यादातर यही कहता है कि भाई हमारा डैमेज हो गया, क्या तुम्हारा डैमेज हुआ ये तो बताओ, ये सब डैमेज दिखता नहीं है, उन्होंने यदि सब कार्रवाई कराते हैं, जांच करवा रहा हूँ उस गाड़ी का भी क्या है, और वो लड़के थोड़ा आजकल तो तुरंत पुलिस के विरुद्ध में चला जाता है, तो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था जिसके चलते गाड़ी रोकी जाएगी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में 80 बेड का इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का उद्घाटन आज अस्पताल अधीक्षक और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित अस्पताल के कई वरीय चिकित्सकों के द्वारा फीता काट कर किया गया। इसका उद्घाटन होने से मायागंज के इमरजेंसी वार्ड में मरीज का दबाव कम पड़ेगा, जिससे मेडिसिन से संबंधित मरीज को अब इमरजेंसी से ट्रांसफर कर मेडिसिन विभाग में भेजा जाएगा, इससे इमरजेंसी में लगने वाले मरीजों की संख्या में कुछ कमी आएगी। इसके साथ ही इस वार्ड में कई तरह के अत्याधुनिक सुविधा के साथ चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक ने कहा कि अब यहां पर आए मरीजों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों के जरिए जल्द होगा और मरीजों को विभिन्न प्रकार की जांच के लिए बाहर जाना होता था, अब वो सभी जांच अस्पताल में ही हो जाएगा। यहां तो आपके सामने है सब कुछ सुविधा हमारा, मेडिसिन से रिलेटेड जो मरीज आएगा, जो तकलीफ होगा, आपका मॉनिटर लगा हुआ है, जाँच की सुविधा यहाँ जितनी मेडिसिन से रिलेटेड ECG है, होटल होल्डर है, ये और आपका जांच का BSCRB है, इको है, यहाँ सब जो भी जांच हमारे पास अवेलेबल पहले से है वो सब सुविधा मरीज को मिलेगी। मरीजों की कैपेसिटी क्या है?
कैपेसिटी, टोटल 80 बेड यहाँ है हमारे पास। इमरजेंसी में जो एडमिटेड होगा, जो डेली एडमिशन वहाँ होता था, इमरजेंसी में रहता था, वो मरीज अब यहाँ आएगा मेडिसिन से रिलेटेड। जांच के बारे में बताते हैं, यहाँ पीजी लैब हम खोले हैं जिसमें कि एबीजी है, एबीजी की सुविधा है, सीबीसी की सुविधा है, यूरिन टेस्ट की सुविधा है, और टीएमटी की सुविधा है, ऑल्टर की सुविधा है, और एनसीबी की सुविधा है, कलर डॉपलर की सुविधा है, वेस्कुलर डॉपलर की सुविधा है, और अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। हाँ, अल्ट्रासाउंड मतलब सिर्फ लड़कों के लिए या पेशेंट के, यहाँ के जो एडमिटेड पेशेंट हैं उसके लिए है, और प्लस इको की सुविधा है जो यहाँ भर्ती होंगे। एक रूम जो मेरा है उसमें अभी एक्सरे का रूम है, जिसमें हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब को रिक्वेस्ट किया है कि उस रूम में एक एक्सरे मशीन जो एमसीएच में लगा हुआ था कोरोना के टाइम में, उसको उस रूम में डाल दिया जाए, ताकि यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसको असुविधा नहीं हो, उसको एक्सरे यहीं हो जाए। अब जहाँ तक आप बोलेंगे कि एमआरआई का, एमआरआई में पेशेंट कैसे जाएगा, इको में पेशेंट कैसे जाएगा, और इसमें कैसे जाएगा, सीटी कराने पेशेंट कैसे जाएगा, आप पीएमसीएच में इमरजेंसी देखे होंगे, पीएमसीएच के इमरजेंसी को देखिए, वहाँ जो इमरजेंसी चलता है वो आरएसबी वार्ड के पास चलता है, वहाँ से जो रेडियोलॉजिक डिपार्टमेंट का दूरी है वो हमारा दूरी उससे कम है, बहुत कम दूरी है। तो यह तो मेरे मैनेजमेंट पर, और जितना जिसके हाथ में मैनेजमेंट है सर, जो हमारे राकेश सर हैं जो अधीक्षक के पद पर हैं, इनके मैनेजमेंट में कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं होने जा रहा है। भागलपुर में गंगा में लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उसके बावजूद सुल्तानगंज से आगवानी पुल घाट पर ओवरलोडेड नाव का परिचालन थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज हजारों यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। इससे पहले अगवानी पुल से खगड़िया जाने के दौरान नाव हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। इसके बावजूद भी नाव पर ओवरलोडेड कर परिचालन करने से लोग बाज नहीं आ रहे। जिस रास्ते से नाव गुजरती है वहां पर पुल हादसा हुआ था, जिस कारण गाद जमा हुआ है, मलबे को अभी तक हटाया नहीं गया है, रास्ते से नाव का परिचालन होता है। नाव का आधा हिस्सा पानी में डूब जाता है, गाद रहने की वजह से पानी का लेयर चेक नहीं हो पाता, और यह सब स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे से सारा काम हो रहा है। ओवरलोडेड नाव के परिचालन के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सैकड़ों की संख्या में एक बार नाव पर लोग सवार होते हैं, इसके अलावा बाइक और अन्य सामान भी नाव पर लोड किया जाता है, जिस कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। हादसे के बाद लोगों को सबक लेने की जरूरत थी, लेकिन नाव परिचालन करने वाले लोग हादसे का वो दिन भूल गए, अब शायद नए हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मामले को लेकर सुल्तानगंज थानेदार ने भी टाल मटोल सा जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया, पहले भी नाव हादसे का शिकार हो चुका है, उसके बाद भी ओवरलोडेड नाव का परिचालन अगवानी पुल घाट से खगड़िया की ओर जा रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग निगरानी तो कर ही रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में साफ है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नाव पर सवार यात्री आशीष ने बताया कि जाने में बहुत डर लगता है, लेकिन साधन नहीं है, मजबूरी में हम लोगों को जाना पड़ता है। नाव पर बैठने की जगह नहीं है, ऊपर से प्रचंड गर्मी है जिस कारण से परेशानी हो रही है। हजारों की संख्या में लोगों को रोजाना आना जाना होता है, ओवरलोड होने के कारण हमेशा सफर करने में डर बना रहता है, लेकिन मजबूरी की वजह से सफर करना पड़ता है। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन और सरकार पुल का निर्माण करवा दे, ताकि हम लोगों को आने जाने में सुविधा हो। नाव पर 30 यात्री की बैठने की क्षमता होती है, साथ ही उनका कुछ सामान भी उसमें शामिल है, लेकिन नाव संचालक सैकड़ों लोगों को बैठाते हैं। इसके अलावा सामान भी नाव पर लोड किया जाता है, प्रत्येक आदमी से 30 से 50 रुपए किराया वसूली जाती है, जबकि 2 चक्का वाहन का 50 से 100 रुपए तक किराया लिया जाता है। हर दिन नाव संचालक 50,000 रुपए तक इनकम करते हैं, इसके बावजूद भी सुरक्षा दृष्टिकोण का ख्याल नहीं रखा जाता, न ही सेफ्टी कोट या अन्य चीज यात्रियों के लिए रखा गया है। सुल्तानगंज थानेदार प्रियंजन कुमार ने बताया कि हम लोग निगरानी रख ही रहे हैं, उसमें सब में जो है ना 12 को 14 को उसमें लाइफ जैकेट है दिया हुआ, जो कि पैसेंजर के सुरक्षा के लिए हर नाव पर जो है 12 को 14 को सब में रखा हुआ है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है यहाँ जहाज घाट में, हम लोग अपने प्रिकॉप्शन में लेके चलते हैं। बड़ी नाव, बड़ी नाव जो भी नाव है सब बड़ी बड़ी नाव तो छोटी नाव नहीं है जो कहीं कोई तरह का बात है। वो क्या हो तो आप पैसेंजर हैं, जहाँ तक हो रहा है हम तो खुद जो है प्रिकॉप्शन में चलाना चाह रहे हैं कि भाई ओवरलोड नहीं, चाह रहे हैं और चला रहे हैं दोनों में अंतर है श्रीमान, क्या चाह रहे हैं या चला रहे हैं? चला रहे हैं, लाइफ जैकेट ही कहिए वो आपका, मतलब एक जैकेट
एक लाइफ जैकेट में जो है चार पांच आदमी जो है उसमें रसा बना हुआ है, पकड़ के लोग कहीं कोई तरह का हादसा भी होता है तो वो निकल जाए। डर तो सर बहुत है लेकिन जाना भी मजबूरी है और हम चाहते हैं सरकार से अनुरोध है कि जितना जल्दी पुल को बना दिया जाए जैसे पब्लिक को बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाए। बहुत दिन से कठिनाइयाँ पर झेल रहा है यहाँ के पब्लिक, यहाँ के जो लोकल पब्लिक है ना बहुत ज़्यादा कठिनाई झेल रहा है। आप देख ही रहे हैं कितने परेशानी से, लेडीज को बैठने का जगह नहीं है, बच्चे को बैठने की जगह नहीं, ना ही ऊपर में छांव है, कुछ भी नहीं है और गाँव की भी स्थिति सही नहीं है। इसको भी बढ़िया से स्टीमर टाइप का होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, नहीं है तो क्या कर सकते हैं पब्लिक। ये तो प्रशासन से लेकर के सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को सेवा और सुरक्षा कैसे देनी चाहिए, लेकिन अब नहीं है तो पब्लिक तो मायूस और परेशान है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। मोबाइल खराब होने के बाद पिता से मिले फटकार के बाद डिप्रेशन का शिकार हुआ 12वीं कक्षा का छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की आदर्श नगर गली का है। मृतक की पहचान उमेश शाह के 19 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते दिनों आदित्य का मोबाइल खराब हो गया था, जिसके बाद पिता उमेश शाह ने उसे फटकार लगाई, जिसको लेकर वो पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में चला गया था। आदित्य ने चाचा सुधाकर शाह को फोन कर जानकारी दी थी और कहा था कि मोबाइल को लेकर कुछ इशू है, घर पर आकर मामले को सुलझा दीजिए। इसके बाद से वो डिप्रेशन में चल रहा था, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने फंदे से लटकता उसका शव देखा, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले परिजनों ने शव को नीचे उतार दिया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मृतक आदित्य कुमार के चाचा सुधाकर ने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उस दिन कुछ दिन पहले मोबाइल का इशू बताकर मामले को सुलझाने की बात कही थी। आदित्य पढ़ने में काफी तेज था, मोबाइल को लेकर ही वो डिप्रेशन का शिकार हुआ, उसके बाद उसने ऐसा किया होगा। मृतक आदित्य का एक भाई और एक बहन है। पिता मजदूरी कर घर का भरण पोषण करते हैं। घटना स्थल पर FSL की टीम को बुलाया गया, इधर पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कैसे क्या हुआ ये हम नहीं जानते, 9 बजे तक हमसे बात हुआ है, बात हुई है जी हाँ। इसका कुछ टेंशन था कुछ लेकर के, ये कौन चीज लेकर टेंशन था ये हम नहीं जानेंगे, पर ये बोला था हमको कि चाचा आप आके
सुलझा दीजिए। इसके खानदान में जितना भी केस होता है हम ही डील करते हैं। तो मामला लेके आपको बुला रहा था? हमको बुला रहा था मोबाइल तुम्हारी लेके। मोबाइल लेके जी? क्या मोबाइल का क्या इशू था? इशू क्या था इसका, हेरा गया था कि क्या हुआ था नहीं जानते हैं। मोबाइल वहाँ पे बहुत चोरी होता है, इसकी भी चोरी हुई थी। अब क्या हुआ था ये हम नहीं जानते हैं। वही सॉल्व करने के लिए हमको पिताजी से बात करने के लिए बोल रहा था। हमारा हार्ट अटैक हो गया है, हम चार दिन कलकत्ता से पहले आए हैं। आदित्य शाह है? आदित्य हाँ। और ये पढ़ने में जीनियस था और अभी दुकान ही चला रहा था और सुबह में दुकान खोलता था और धोता पोसता था। मेरे मंदिर में दो ठो मिठाई और 5 रुपया देता था। भागलपुर की जगदीशपुर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने एसडीएम धनंजय कुमार पहुंचे, साथ में डीसी एलआर भी थे। निरीक्षण करने के उपरांत एसडीएम साहब ने बताया कि दाखिल खारिज में जो कमियां पाई जाती है उसको कर्मचारी तुरंत दुरुस्त करे। दाखिल खारिज करने वाले व्यक्ति को तुरंत सूचित करे किस कारण उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही लंबित पड़े दाखिल खारिज का काम जल्द से जल्द निपटाया जाए, अंचल में जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। साथ में कहा कि अभी बहुत से नए कर्मचारी आए, उसको थोड़ा काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है जो ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही जो भी अंचल में दलाली का काम कर रहे हैं वो सब बंद कर दे, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब चूंकि अभी आपको कोई जानकारी होगी कि डीएम सर्कुलर से डेली रेवेन्यू की बैठक की जा रही है और जो पेंडेंसीज है अंचल में अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो सर्कल स्तर से लगातार उसका निरीक्षण किया जा रहा है और मीटिंग हो रही है। हम लोग भी अपने स्तर से लोगों को गाइड कर रहे हैं क्योंकि जगदीशपुर में आप लोग जान रहे हैं कि नगर निगम का सारा क्षेत्र आता है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस निश्चित रूप से ज़्यादा रहता है, उनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ वो भी लूपहोल्स हम लोग देख रहे थे कि क्यों इतनी पेंडेंसी, उन पर उन लोग को डायरेक्शन दिया गया और समय दिया गया कि उस पर कंप्लाइंस करें 3 से 4 दिनों के अंदर। साथ ही साथ एक अन्य प्रयोजन भी था कि स्किल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो सरकार की विभिन्न योजनाएँ वो आप लोग के माध्यम से हम जो भी जगदीशपुर की जनता है उनको भी जागरूक करना चाहेंगे कि एक जो बच्चों के लिए लोन स्कीम है या फिर जो बेरोजगार लोगों के लिए जो सरकार स्कॉलरशिप देती है और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो उसमें जितना आवेदन आ रहा है उसकी संख्या बहुत कम है। तो निश्चित रूप से उसमें दो ही कारण हो सकता है, या तो जानकारी का अभाव होगा या हम लोग का जो प्रोसीजर है उसमें कहीं पर उन लोगों की समस्या उनको आ रही होगी। तो हम लोगों ने डीएम सर के डायरेक्शन पे ये डिसीजन लिया है कि प्रत्येक पंचायत में हम लोग एक कैंप का आयोजन करवाएंगे और सीएससी के माध्यम से और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से है उसमें सभी बच्चों के उनके परिवार को जागरूक करेंगे ताकि वो जो सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है एवं जो अन्य योजनाएँ हैं उसका लाभ ले सकें, ताकि अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें और पढ़ाई में उनका और उन्हें मदद मिले। दाखिल खारिज में फीपों का स्किप करके दाखिल खारिज किया जाता है? हाँ, ये सूचना हम लोगों को भी मिली है तो वो हम लोगों ने उसका अभिलेख मांगा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ समस्याओं के कारण स्किप करना पड़ता है, लेकिन उससे इन लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि उससे बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कहीं पे कुछ समस्या है ऑब्जेक्शन को लेके उस केसेस में स्किप करने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन स्ट्रिक्ट इसमें दिया गया है कि ऐसे केसेस ना रहे। और कुछ हम लोग को भी कंप्लेन आया था कि जो स्किप है वो 4-5 बार किया गया है, तो उसमें एकदम स्ट्रिक्ट दिया गया है कि इसको कैसे कंप्लायंस करें, क्योंकि सभी कर्मचारी भी नए हैं आप लोग जान रहे हैं, सभी को गाइडेंस की भी आवश्यकता है। लगातार हम लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी समस्याएँ रिपीट होती हैं तो कार्रवाई भी। भागलपुर जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला विधिक संघ के तमाम बुद्धिजीवी अधिवक्ता और जज मौजूद रहे। सबों ने बिहार के खासकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग नहीं करें। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित की गई। सबों ने एक ही सुर में यह शपथ ग्रहण किया कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर यह शपथ लेते हैं कि नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे और अवैध तस्करी के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। नगर निगम के सफाई कर्मचारी ने वेतन वृद्धि को लेकर आज नगर निगम परिसर में जमकर हंगामा किया। इन लोगों की मांग है कि सरकारी कर्मचारी को सरकार के द्वारा लागू 7वां वेतन का लाभ दिया जा रहा है तो हमें भी दिया जाए। सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष लड्डू हरि ने कहा कि जिस तरह सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन दिया जा रहा है हमें भी 7वां वेतन का लाभ मिले। नगर निगम के द्वारा उसको पूरी करने का आदेश पारित हो गया है और जिसको नहीं मिला है अभी तक 6ठा वेतन मान ही हम लोगों को दिया जा रहा है। हम लोगों की मांग है जिस तरह सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन का लाभ मिल रहा है हमें भी दिया जाए। यदि हमें नहीं दिया जाता तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि 7वां वेतन पूर्व से लागू था और भुगतान भी हो रहा था और अचानक जो है ये 10/6/2024 को जो है
अगला सरकार के ऊपर सचिव से आदेश आया कि इसको स्थगित करके एक नया सीरियल से आप वेतन दीजिए। तो फिर ये भी बात थी कि सातवां वेतन को जो लाभ जो लिया है उनका वसूली कर को भुगतान करना है, मगर पुनः फिर जो है 24 घंटे अंदर में दूसरा चीज लेटर आया सभी विभाग को कि सातवां वेतन लागू होगा, जो कर वसूली की बात थी वो ब्रेक लग जाएगा उसमें, उसको पैसा वसूलना नहीं है, मगर सातवां वेतन नगर निगम को अपना शर्त से इनको वेतन भुगतान करना होगा। हम लोग नगर निगम कई दिनों से आए और बात भी कर रहे हैं अकाउंटेंट पंकज जी से, उनका भी कहना वही था कि सरकार घर से अभी रोक है और साहब जो अभी छठा वेतन देने जा रहा है, इसलिए हम लोग छठा वेतन ही अभी तत्काल उनको भुगतान किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सातवां वेतन लागू जो है उनको भुगतान किया जाए, नहीं तो हम लोग तमाम सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन के साथ साथ निश्चितकालीन हड़ताल में भी जाने के लिए बाध्य हो जाएगा। कि नगर निगम में तमाम दलित कर्मचारी के साथ सातवां आठवां जो भी मिलता है उसमें घुसखोरी चरम पर है, इस जात के साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, काम करा के भुगतान भी नहीं होता है, सातवां सब जगह सरकार का आदेश हो गया वो भी नहीं दे रहा है। तो हमारा पहला मांग है नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त हो, दलितों के साथ अन्याय बंद हो, मनमानी बंद हो और सातवां लोगों को मिले। यहाँ का स्टाफ कर्मचारी आपका ये जितने टेबल पर बैठे हैं उसका नाम भी आ रही है, एग्रीमेंट भी है मेरा घुसखोरी का, उसमें लिखा है पर गुल यादव की घूस नहीं लिया जाएगा, ये मेरा एग्रीमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जितना स्थापना में लोग है, जो अकाउंट सेक्शन में लोग है और उस सब के खिलाफ दरखास्त गिरा भी है, कुछ नगर आयुक्त के पास है, कुछ मेयर के पास है, कुछ कमिश्नर के पास भी है, है ना, तो ये सब दिया हुआ है और आंदोलन होगा तो सारे का नाम भी दे दिया जाएगा। एनआरपी प्रोग्राम के गाइडलाइन के तहत डॉक्टर वर्षा सिन्हा एवं डॉक्टर ओबेद अली के आस्था नर्सिंग होम में रेसिसिटेशन का वर्कशॉप का आयोजन विधिवत रूप से डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर वर्षा सिन्हा एवं डॉक्टर ओबेद अली के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर वर्षा सिन्हा ने कहा कि नवजात शिशु के इस दुनिया में पदार्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है एनआरपी का पालन करना और उसी की जानकारी आज शहर के प्रसिद्ध नवजात शिशु विशेषज्ञ एवं अंग क्षेत्र को पहला एनआईसीयू देने वाले डॉक्टर अजय सिंह मेरे आस्था नर्सिंग होम में आए हैं। जन्म लेने के उपरांत कई बच्चे ठीक से नहीं रो पाते, यानी सांस ठीक से नहीं ले पाते, वैसे नवजात में दिक्कत आ जाती है। बच्चों के शरीर के सभी अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से शरीर का तंत्रिका सूख जाता है और बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकलांगता आ जाती है, जिनका भविष्य में भी सटीक इलाज नहीं है। वैसे नवजात जो जन्म के उपरांत यदि नहीं रो रहा हो तो उसको एनआरपी यानी न्यूनेटल रेसिसिटेशन प्रोग्राम के द्वारा नवजात को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि नवजात के जन्म के बाद क्या क्या करना है और कब क्या करना है। वहीं डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि आज इसकी शुरुआत है, यह प्रत्येक प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ साथ यदि अनुमति मिली तो सरकारी अस्पताल में भी इस तरह का कार्यशाला किया जाएगा। इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो वो सही ढंग से बचे और वो यदि बचे तो डैमेज नहीं हो। तो ये न्यूरोटल रिसर्चेशन प्रोग्राम आज हम लोगों ने विधिवत डॉक्टर वर्षा सिन्हा एक क्लिनिक आशा नर्सिंग होम से किया और सभी स्टाफ ने बहुत अच्छा सीखा और इसमें हम लोग इस गाड़ी के द्वारा हम लोगों ने बताया किस तरह से बच्चा जन्म लेता है और यदि रोते हुए निकलता है तो क्या करना है, यदि नहीं रोता है, सांस यदि ठीक से नहीं चल रहा है तो उसको किस तरह से उसको सपोर्ट करना है, उसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप है अम्बुबैल वेंटिलेशन, इसके बारे में हम लोगों ने बताया कि अम्बुबैल कैद दिया जाता है, इतना देर दिया जाता है, अम्बुबैल से भी नहीं होता है तो उसको चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और दवा कर दी जाती है, इन सारे बातों को आज हम लोगों ने दिया। भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती थाना क्षेत्र के सिरमारी निवासी मनीष कुमार पांडे का ट्रक पश्चिम बंगाल से बरामद कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि कोविड के दौरान सिरमारी निवासी मनीष कुमार पांडे अपने ट्रक की किस्त नहीं दे पा रहे थे, तभी उसने पाकुड़ के मोहम्मद साकिर को अपना ट्रक बेच दिया, फिर मोहम्मद साकिर ने भी किस्ती चुकाने में आनाकानी की, तब कंपनी वालों ने मनीष कुमार पांडे को मैसेज किया। जब मनीष कुमार पांडे ने मोहम्मद साकिर से अपने ट्रक वापस मांगा तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीरपैंती थाना में 2 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया। वहीं पीरपैंती पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दालकोला से ट्रक चालक को, ट्रक के साथ और मोहम्मद साकिर को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना पीरियड में एक ट्रक खरीदा था, लेकिन इनकी हालत अच्छी नहीं रही, ट्रक की आमदनी नहीं हो रही थी तो किस्ती नहीं जमा कर पा रहे थे, तो इस फलस्वरूप उन्होंने पार्टी से बात करके उन्होंने एक तीसरे पार्टी को अपने ट्रक को किस्ती जमा करने के वादे के साथ उन्होंने उनको दे दिया।
मोहम्मद साकिर नाम था उनका, पाकुड़ के थे, लेकिन साकिर ने भी 10-12 किस्त जमा किया। जमा करने के बाद फिर उन्होंने किस्त धीरे धीरे देना बंद कर दिया। लगातार लापरवाही होने लगी तो कंपनी की तरफ से मैसेज आया मोहम्मद इनको मनीष कुमार पांडे को, तो मनीष कुमार पांडे ने अपना ट्रक साकिर से मांगा, साकिर ने देने से इनकार कर दिया। तब दो अप्रैल को तिरुपति थाना में केस हुआ। केस के बाद अनुसंधान जारी हुआ। अनुसंधान जारी में मोहम्मद साकिर को पकड़ा गया। मोहम्मद साकिर जब पकड़ाए तो उन्होंने ट्रक देने से इनकार कर दिया, ट्रक के बारे में कुछ नहीं बताया। पुनः उनसे जब ये पूछा गया कि इस पर और क्या है, तो उन्होंने बताया कि इस पर लोन लिए थे, लोन राशि भी वापस कर दिया। तब उस ट्रक कहाँ गई इसके बारे में पूछा गया तो बोले कि हमने कटवा दिया, लेकिन वास्तव में उनके बयानों में बहुत अंतर आ रहा था। लगा यह कि वो कटवाया नहीं है। फिर थोड़ा कड़ाई से पूछा गया, फिर भी नहीं बताया उन्होंने। तब उनके मोबाइल का जांच किया गया, तो मोबाइल की जांच में एक परमानेंट उनका एक ड्राइवर हुआ करता था, उसका नंबर पाया गया दालकोला में। पूछा गया ये कौन है, तो उन्होंने बोला मेरा प्राइवेट ड्राइवर है, और ये क्या लेकर गया, ट्रक लेकर गया है। कौन सा ट्रक, तो दूसरे का ट्रक लिया है। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है यही ट्रक हो। फिर हमने वहाँ पर टीम भेजा, टीम भेजने के बाद पाया गया कि वही ट्रक है जो मनीष कुमार पांडे शेरमारी का है। तो उस ट्रक को भी बरामद किया गया, उसके ड्राइवर को भी लाया गया, और साकिब मोहम्मद भी आए, और लाने के बाद इन पर आज जेल भेजने की तैयारी हो रही है।